प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन बुलेटिन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। धन वर्षा के लालच में बेजुबान जानवर की जान लेने के आरोपी से उल्लू को कराया मुक्त, कानूनी कार्रवाई की तैयारी में एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी। रीड पेपर लीक मामले में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी, शिक्षा संकुल के पूर्व कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद एक्शन में आई पुलिस, दो आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश में जुटी पुलिस। और ऑनलाइन गेम में हारने के बाद युवक ने मौत को लगाया गले, अपने पैसे हारने के बाद माता पिता के खाते से पैसे निकाल कर गेम में लगाए पैसे, हारने पर उठाया कदम। धन की वर्षा करने के लालच से तांत्रिक क्रिया करते हुए एक बेजुबान की बलि देने वाले पर आमदा, एक अंधविश्वासी शख्स के कब्जे से उल्लू को मुक्त कराया गया है। तांत्रिक क्रिया और अंधविश्वास के नाम पर श्रीधरा नाम के उल्लू की बलि देने की जानकारी मिलने पर एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी उदयपुर ने तांत्रिक के घर पहुंचकर इसकी जान बचाई। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की डॉक्टर माला मट्ठा और उनकी टीम ने इस उल्लू को रेस्क्यू किया है। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की डॉक्टर माला मट्ठा द्वारा एक तांत्रिक के हाथों से छुड़ाए गए इस उल्लू का नाम श्रीधरा है। लहूलुहान हालत में मिले इस उल्लू के शरीर से खून निकालकर तंत्र विद्या करते हुए धन वर्षा कराने का प्रयास किया जा रहा है। इंसान ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए इस बेजुबान श्रीधरा की बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली। इसकी जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर माला मट्ठा इसे तलाशने पहुंची तो एक बार उन्हें उल्लू की मौत होने की झूठी जानकारी देकर गुमराह कर दिया गया, लेकिन दूसरे दिन फिर से एक भले शख्स ने डॉक्टर माला मट्ठा को बताया कि उल्लू जीवित है और उसकी बलि देने की तैयारी चल रही है। तो अपनी टीम के साथ पहुंची डॉक्टर माला मट्ठा ने तांत्रिक क्रिया के नाम पर बेजुबान उल्लू को प्रताड़ित कर रहे ढोंगी तांत्रिक से उल्लू को छुड़ाया और उसे इलाज के लिए उदयपुर लाया गया है। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर माला मट्ठा ने बताया कि उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर गोगुंदा के आगे काशबा गांव के देवड़ों का गुड़ा से श्रीधरा नाम के उल्लू को तांत्रिक क्रिया के नाम पर बलि चढ़ाने की योजना के बारे में जानकारी सामने आई थी। केसर सिंह देवड़ा नामक शख्स ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि उनके गाँव का एक परिवार श्रीधरा उल्लू को तांत्रिक क्रिया में उपयोग में ले रहा है। पिछले 3 दिन से श्रीधरा को अंधविश्वास का शिकार बनाया जा रहा था। संस्था ने तुरंत संज्ञान लिया और काचबा गोगुंदा पहुंचे। श्रीधरा का एक पंख कटा हुआ था जिसमें से रक्त बह रहा था। टीम से डॉक्टर माला मट्ठा और कमलेश तेली ने श्रीधरा को रेस्क्यू किया, उदयपुर में एनिमल एड में एडमिट कराया गया है। हमारे पास कल उदयपुर जिले के गोगुंदा तहसील के काचबा गांव से एक उल्लू की कंप्लेन आई थी जिसका नाम श्रीधरा था। उसे कोई तांत्रिक ब्लैक मैजिक के लिए यूज करा था जिससे उसके ऊपर पैसों की वर्षा और वो रातों रात अमीर बन जाए, और उस चक्कर में वो उसके एक पंख से 2 दिन से कंटिन्यूस खून बहाया जा रहा था और उस खून का आई डोंट नो वो क्या करना चाहता था। तो कल जब हमने उसको रेस्क्यू करने की ठानी तब जैसे ही गांव से हमें इन्फॉर्मेशन आई तो गांव वाले आदमी ने ये बोल दिया कि उसकी तो डेथ हो गई है। पर आज वापस किसी गांव भले आदमी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि मैडम वो उल्लू जिंदा है और उसका आज भी पंख काट दिया गया, उसमें से काफी सारा खून बह रहा है जैसा हम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुके हैं। तो हमने तुरंत संज्ञान लिया और हम गोगुंदा तहसील में गए, काचबा गांव में गए और हमने उसे रेस्क्यू किया है। इसमें वाइल्ड लाइफ की 55 सेक्शन 55 धारा लगती है, साथ ही इसमें 428 और 429 IPC की धारा लगती है जिसके तहत हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज आप इस तरह के अंधविश्वासों को बढ़ावा ना दें। श्रीधरा का इलाज कराने के साथ तंत्र क्रिया करने वाले परिवार पर भी अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संस्था की ओर से कहा गया है कि ऐसे अंधविश्वासों को बढ़ावा ना दें, इन मासूमों को भी जीने का हक है। ओ गॉड स्नेहा, सो डर्टी, मैं तो अपने आप को साफ रखना पसंद करती हूँ। टॉयलेट कौन साफ करेगा, तेरी माँ? वाइटिक्स टॉयलेट क्लीनर, रखे टॉयलेट को हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स।
राजस्थान में लगभग 2 साल पहले हुए रीड पेपर लीक मामले में ईडी ने पहली गिरफ्तारी की है। टीम ने जयपुर में छापेमारी करते हुए शिक्षा संकुल के पूर्व कोऑर्डिनेटर प्रदीप पराशर को उनके घर से गिरफ्तार किया है। बुधवार देर रात हुई इस कार्रवाई के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रदीप पराशर का नाम पेपर लीक में सामने आया था। इसके बाद SOG और पुलिस भी उससे पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने बुधवार रात जवाहर नगर स्थित उसके फ्लैट से उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद रात 11 बजे के बाद कोर्ट में पेश किया गया। जज के घर हुई पेशी के दौरान उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। पराशर से पेपर लीक से जुड़े लेन देन को लेकर पूछताछ हो रही है। अधिकारियों की माने तो गिरफ्तारी के बाद पराशर से कई महत्वपूर्ण खुलासे भी हो सकते हैं। SOG से मिले इनपुट के आधार पर ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। जिस स्ट्रांग रूम में रीड के पेपर रखे थे, उसकी और जयपुर जिले की जिम्मेदारी प्रदीप पराशर की थी। इसी दौरान रीड पेपर लीक हुआ। इसके बाद अलग अलग एजेंसियां सक्रिय हुई और पूछताछ की गई। इस मामले में रुपए के लेन देन को लेकर ईडी को अहम सुराग हाथ लगे हैं। बांसवाड़ा के सल्लोपार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब की तस्करी कर रही एक XUV गाड़ी को जब्त किया है। इस वाहन में मध्य प्रदेश निर्मित शराब भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस गश्त के दौरान बांसवाड़ा के सल्लोपार थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक XUV वाहन में अवैध शराब भरकर ले जाई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस वाहन की तलाशी करते हुए सुनसान स्थान पर खड़े वाहन को चेक किया तो इसमें बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश निर्मित अवैध शराब भरी हुई मिली। हालांकि पुलिस के आने की खबर मिल जाने से वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इस वाहन से 3,70,000 की अवैध शराब जब्त करते हुए पुलिस ने वाहन को भी जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के सुपरविजन में इस कार्रवाई में DYSP विनय चौधरी के नेतृत्व में थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE-affiliated school, Rana Pratap English Medium School, peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhary Petrol Pump, Bhinder, Udaipur. बांसवाड़ा उदयपुर रोड पर माही कॉलोनी के बाहर रोड चौड़ा करने के लिए और पाथवे बनाने के लिए माही विभाग ने जमीन दी थी, लेकिन माही कॉलोनी में आने जाने के लिए बने मुख्य गेट को बंद कर दीवार बनाने की जानकारी मिलने पर कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर जमा हुए क्षेत्र वासियों ने अधिकारियों की क्लास लगा ली। माही कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बताया कि इस बांसवाड़ा के विकास में माही का महत्वपूर्ण योगदान है। माही की जमीन भी रास्ता चौड़ा करने के लिए दी गई, लेकिन यहां आने जाने के लिए बने हुए रास्ते को बंद कर दीवार बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने अधिकारियों की क्लास लगा दी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इसी गेट से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और आने जाने वाले वाहनों की एंट्री होती है। ये माही का मुख्य द्वार भी है। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने दीवार नहीं बनाने और गेट को यथावत रूप से चालू रखने को कहा है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। हम चाहते हैं सर से निवेदन है कि हमारे ये माही के गेट, दो गेट कम से कम खुले होने चाहिए सर। एक तो ये गेट और इधर छोटा गेट, ताकि स्कूल आने जाने वाले बच्चों को, पैदल जाने वाले सर्विस वालों को, या नूतन स्कूल में जो छोटे बच्चे आना जाना कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमको ये दिक्कत नहीं है कि गेट बंद हो रहे हैं, पर वो हमारे लिए वहाँ से यहाँ तक आना बहुत दूरी हो जाएगी, और वहाँ क्या स्कूल भी है, तो हमारे ख्याल से ज़्यादा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सर स्वयं से समझदार है, हमारी बस यही करवत्र विनती है सर से कि दो गेट हमारे माई के खुले रहने थे। हमें यहाँ पे अपने घरों में आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही है। एक ही रास्ते में सब पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, बच्चों का, छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चों का जाना आना दिक्कत हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये गेट, ये वाला गेट खुला रहना चाहिए। तो क्या ये गेट बंद कर रहे हैं? ये बंद कर रहे हैं आयुक्त सर। सर से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ये वाला गेट खुला रहे ना दिया जाए और वो स्कूल वाला बंद किया जाए, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए और एक्सीडेंट होने की संभावना है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 02942429044। Girls, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future. Geetanjali Institute of Technical Studies, Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में कनेल ग्राम पंचायत में करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर
अब तक ग्रामीणों ने 71 बार शिकायत की है, लेकिन आज दिन तक शिकायत पर किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज 72वीं बार ग्रामीण जिला कलेक्टर के पास न्याय की गुहार लगाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लिखित में ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान विधायक के परिवार का सदस्य उन्हीं के गाँव से सरपंच है, इसलिए बार बार जाँच को प्रभावित कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना के तहत आए सारे पैसों का गबन कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। आम जनता तक साल 2020 से अब तक एक भी योजना का फायदा नहीं पहुंचा है। ऐसे में इनकी शिकायत पंचायती राज विभाग से लगाकर जयपुर एसीबी तक की गई है। और हम 2020 से लगाकर ग्राम पंचायत कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हुआ है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का लाभ गरीब परिवार किसी को भी नहीं मिला है। और हम ये 72वां ज्ञापन है, नीचे से लगाकर हम जयपुर तक एसीबी तक हमने ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी कोई भी अधिकारी यहाँ पर आकर सुनवाई नहीं सुन रहा है। और मांगा उसमें 15 करोड़ के लगभग निकल रहा है और टीमें आती भी हैं, लेकिन आकर वापस चले जाते और जजी द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाते, लिखित में दे देते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। और हम यही कहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो और ग्रामीणों को मौजूदगी में हो और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें सहयोग करें, क्योंकि उनके ही परिवार ने आज से 25 साल तक राजनीति है। देखिए, हम कम से कम 70-71 बार यहाँ पर रिपोर्ट दे चुके हैं, तो भी हमारी कोई सुनवाई आज दिन तक पंचायत की नहीं हुई है। पंचायत के अंदर 2005 से लगा करके इतना करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कम से कम हमने 17,000 के करीब, करोड़ों के करीब तो गबन निकाला है, लेकिन कार्य कोई हुआ नहीं है। पंचायत के अंदर वो सरपंच लोगों ने खराब कर रखा है पूरी पंचायत के अंदर। किस प्रकार का गबन किया है, क्या गबन किया है? करोड़ों का किया है, आवासों का किया है, जैसे हैंडपम्प के हुए कुएँ और सीसी सड़कें हैं, इसके बाद में कोई अपने ये तालाबों का है कैसा, और एक एक कार्य को दो दो बार इधर से यहाँ से लगा करके स्वीकृत करना और दूसरी ओर लास्ट में जा करके फिर वहाँ से इधर स्वीकृत करना, लोगों ने किया है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Iyer, University Road, Udaipur. Banswara ke Kotwali Police Thana dwara ek coaching chhatra ke साथ हुई लूटपाट की घटना के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू और फेट को जब्त कर छात्र से लूटा गया माल भी बरामद किया है। डूंगरपुर कोतवाली थाने पर युवराज सिंह चौहान नामक शख्स ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि वो वर्तमान में डूंगरपुर शहर में रहता है और लक्ष्मण राजपूत छात्रावास में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। 8 जुलाई को करीब 2:15 बजे के आसपास वो जनरल हॉस्पिटल इलाज के लिए आई हुई बहन से मिलकर पुनः राजपूत छात्रावास पुराना बस स्टैंड की तरफ आ रहा था। इसी दौरान छात्रावास के सामने दुकानों के पास पहुंचा था कि 3 युवक पैदल चलते हुए उसके पास आए और उसे रास्ते में रोककर घेर लिया। उसे चाकू और लोहे की फेट दिखाकर डराते हुए उसकी जेब में रखे 1,000 रुपये निकाल लिए। रिपोर्ट पर अपराध धारा 309(4) भारतीय दंड संहिता में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना कोतवाली टीम द्वारा इस घटना में शामिल एक आरोपी संजय उर्फ संजू पिता गोपाल कटारा निवासी मालपुर को गिरफ्तार कर लूटी गई राशि बरामद की गई है और आरोपी को न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इसी मामले में 10 जुलाई को एक अन्य वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बाल अपचारी को डिटेन भी किया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू और पेट को जब्त कर लूट की राशि को बरामद किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार दूसरे आरोपी का नाम मुकुल पिता कालू पारगी बताया गया है।
मुकुल पारगी 19 साल का है और विजयगंज कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में थाना कोतवाली में चोरी और राहगीरों को रोक, शराब पीने के पैसे मांगने और मारपीट करने के दो प्रकरण दर्ज हैं। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने मारपीट का वीडियो वायरल होने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट करने और इनका वीडियो वायरल करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी पुलिस गोवर्धन विलास, भवानी सिंह राजावत और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल होने पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में प्रकरण संख्या 269/2024 दर्ज कर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 2, 126, 2, 331, 6, 3, 5 के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक के साथ मारपीट करने के आरोपी 28 वर्षीय नरेंद्र सिंह उर्फ नरी, पिता राम सिंह जी रावत, निवासी 4/388 आरएचपी कॉलोनी सेक्टर 14 गोवर्धन विलास और 36 वर्षीय अशोक दास, पिता शंकर दास वैष्णव, निवासी खाखड़ थाना झाड़ोल, हाल आरएचपी कॉलोनी सेक्टर 14 थाना गोवर्धन विलास को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा इस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में बड़ाला क्लासेस के विद्यार्थियों ने फिर से इतिहास रचा है। गुरुवार को सीए इंटरमीडिएट मई 2024 की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर चौथा और पांचवा स्थान हासिल करने के साथ उदयपुर में पहले 5 स्थानों पर बड़ाला क्लासेस के छात्रों ने कब्जा जमाया है। बड़ाला क्लासेस के निदेशक सीए राहुल बड़ाला ने बताया कि उदयपुर से सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा में जानवी मेहता ने 517 अंक हासिल करने के साथ अखिल भारतीय स्तर पर चौथा और उदयपुर में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि हातिम अली महमूदा ने 514 अंक हासिल करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर पांचवा और उदयपुर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तुषिका माहेश्वरी ने 494 अंक के साथ अखिल भारतीय स्तर पर 20वां और उदयपुर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तिथि बोहरा ने 493 अंक के साथ अखिल भारतीय स्तर पर 21वां और उदयपुर में चौथा स्थान प्राप्त किया। दक्ष लोढ़ा ने 467 अंक के साथ अखिल भारतीय स्तर पर 43वां और उदयपुर में पांचवा स्थान प्राप्त किया है। बड़ाला क्लासेस के फाउंडर हिम्मत सिंह बड़ाला और चतर सिंह बड़ाला ने बताया कि बड़ाला क्लासेस के 111 विद्यार्थियों में से 90 विद्यार्थियों ने प्रथम प्रयास में दोनों ग्रुप परीक्षा उत्तीर्ण कर इतिहास रचा है। बड़ाला क्लासेस का यह रिजल्ट 81.08% रहा, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर दोनों ग्रुप परीक्षाओं में केवल 18% छात्र ही उत्तीर्ण हुए हैं। बड़ाला क्लासेस के निदेशक सीएमए सौरभ बड़ाला ने बताया कि मौलिक मेहता ने 455 अंक, जीतन पटेल ने 440 अंक, छवि चपलोत ने 435 अंक, दिवा कोठारी ने 425 अंक, चारवी देवपुरा ने 420 अंक, गति खंडेलवाल ने 417 अंक, कार्तिक मुंडड़ा ने 415 अंक, देव शर्मा ने 412 अंक, प्रज्वल जालोरा ने 410 अंक, श्रेया छाबड़ा ने 409 अंक के साथ कीर्तिमान रचा। जानवी मेहता और हातिम अली महमूदा ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर के अलावा अपने परिवार और बड़ाला क्लासेस की फैकल्टी को दिया है। छात्रों का कहना है कि बड़ाला क्लासेस के स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुए। सीए इंटर मई 2024 के परीक्षा परिणाम आज घोषित हुए, जिसमें बड़ाला क्लासेस के विद्यार्थियों ने पूरे भारत में इतिहास रचा और 5 ऑल इंडिया रैंक्स पर कब्जा जमाया। यह पहली दफा है जब किसी एक इंस्टीट्यूट से, उदयपुर के किसी एक इंस्टीट्यूट से 5 ऑल इंडिया रैंक्स एक ही अटेम्प्ट में आई है, और उसमें भी गौरवान्वित ये करता है हमें कि जो पहला स्थान प्राप्त किया है यहाँ की छात्रा जानवी मेहता ने, उसका पूरा भारत में चौथा स्थान है, ऑल इंडिया रैंक 4, और वो स्टेट टॉपर है। साथ में यहीं के छात्र हातिम अली महमूदा ने ऑल इंडिया रैंक 5 अर्जित किया, तिथि बोहरा ने ऑल इंडिया रैंक 21, तुषिका माहेश्वरी ने ऑल इंडिया रैंक 20 व दक्ष लोढ़ा ने ऑल इंडिया रैंक 43 अर्जित किया। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पूरे भारत में सी इंटर बोथ ग्रुप्स का परिणाम लगभग 18% रहा, बड़ाला क्लासेस के 113 विद्यार्थियों में से 92 विद्यार्थियों ने प्रथम प्रयास में बोथ ग्रुप्स एक साथ यह परीक्षा उत्तीर्ण करी, जो 81% रिजल्ट है, जो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब उदयपुर को हम अब कॉमर्स नगरी के रूप में जानेंगे, और यह सब बड़ाला क्लासेस के फैकल्टी टीम व यहाँ के छात्रों की मेहनत दर्शाता है। बड़ाला क्लासेस इंटर का जो रिजल्ट आया है, वो इसका मेन जो श्रेय जाता है वो बड़ाला क्लासेस का स्टडी मटेरियल और यहाँ की टेस्ट सीरीज़ तो
मतलब कमाल की टेस्ट सीरीज़ है और इसीलिए बच्चे भी जो हैं वो इतना अचीव कर पाए। जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यहाँ पर है वो आई थिंक कि बहुत ही मतलब कम देखने को मिलती है और इसका सारा श्रेय जो है वो यहाँ के पूरी टीम ने जो मेहनत की है ना वो कमाल है, मतलब गजब की है, तारीफें कमाल है वो बिल्कुल ही। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर, एडमिशन्स ओपन। राजसमंद कांकरोली के सुप्रसिद्ध दया शाह जी के किले के जैन भोजनशाला के मुख्य दरवाजे के ऊपर दो क्रेट स्नेक प्रजाति के सांप दिखाई देने पर हड़कंप मच गया। सांपों के बारे में तुरंत वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को सूचना दी गई। गहलोत और उनकी टीम ने सांपों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। दया शाह जी के किले के जैन भोजनशाला के मुख्य दरवाजे के ऊपर कैट प्रजाति के सांप दिखाई देने पर इसकी सूचना वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी गई थी। इस पर पीपरडा वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत अपनी टीम सदस्य अनिल गहलोत, यशवंत गहलोत, राजेश सालवी के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों सांपों को पकड़कर पुनः जंगल में छोड़ा गया। ऑनलाइन सट्टा खेलने पर 70,000 रुपए हारने के बाद एक युवक द्वारा घर में फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। युवक ने अपने पैसे हारने के बाद अपने माता पिता के बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर सट्टे में लगाए थे। माता पिता के पैसे भी सट्टे में हारने के बाद सदमे में आए युवक ने मौत को गले लगा लिया। घटना राजसमंद जिले के आमेट कस्बे की है। घटना के समय युवक घर में अकेला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया। आमेट थाने के ASI भूर सिंह ने बताया कि आमेट कस्बे के बीकावास क्षेत्र की रेगर बस्ती में रहने वाला 22 वर्षीय शिवराज रेगर पुत्र हजारीलाल रेगर ई मित्र की दुकान पर काम करता था। उसे ऑनलाइन सट्टा खेलने का शौक चढ़ गया। कुछ समय पहले ही वो ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए काफी पैसे गंवा चुका था। सट्टे में अपने पैसे हारने के बाद उसने माता पिता के खाते से 70,000 रुपए निकालकर ऑनलाइन गेम में डाल दिए और वो भी हार गया। घर वालों के सामने शर्मिंदा होने के डर से उसने अपने ही कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शाम करीब 7 बजे शिवराज की पत्नी खेत से घर आई तो उसने पति को कमरे में लटका देखा। परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। तो आज दिनांक 11/7/2024 को भारतीय हजारीलाल पिता भुराजे रेगर निवासी विकास ने हॉस्पिटल आमेट पर एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरा एक लड़का जो मजदूरी करते हैं, कल दिनांक 10/7/2024 को शाम 6:30 बजे की बात है, घर से फोन से सूचना मिली कि मेरा छोटा लड़का जो घर ही रहता है उसने फांसी का फंदा लटका दिया है। जिस पर प्रार्थी उसका लड़का गांव आए, देखा तो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। परिजनों की सहायता से उसको आमेट हॉस्पिटल लाए, डॉक्टर साहब को चेक कराया, उसकी मृत्यु हो गई। आज दिनांक को प्रार्थी ने हॉस्पिटल में रिपोर्ट दी, लाश का वार्ड पंचायतनामा बना, आज पोस्टमार्टम के परिजनों को सपोर्ट की गई है, अभी जांच जारी है। प्रथम दृष्टया जो मृतक है, मृतक द्वारा गेमिंग का प्रोग्राम खेलना भी ज्ञात आया है, जिसकी बराबर पुष्टि नहीं की जा सकती है, जांच जारी है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development, familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 Pratap Ji Ki Badi, Amba Mata Scheme, Udaipur. पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0% down payment, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरणमगरी सेक्टर 5 मेन रोड उदयपुर। जयपुर ACB के इतिहास में पहली बार ACB स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। 15 जुलाई को सुबह 10 बजे बिरला सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा।
कार्यक्रम में देश की पहली पैरामिलिट्री फोर्स की पहली महिला चीफ रही आईपीएस अर्चना रामासुंदरम विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगी। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के 37 वर्ष के शानदार करियर के बाद सितंबर 2017 को रिटायर्ड अर्चना रामासुंदरम एसीबी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भ्रष्टाचार पर अपना व्याख्यान देंगी। इस कार्यक्रम की तैयारी डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा की मॉनिटरिंग में की जा रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व डीजी को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। कार्यक्रम को लेकर 13 जुलाई को एसीबी मुख्यालय में मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन भी होगा। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to second standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। धन वर्षा के लालच में बेजुबान जानवर की जान लेने के आरोपी से उल्लू को कराया मुक्त, कानूनी कार्रवाई की तैयारी में एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी। रीड पेपर लीक मामले में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी, शिक्षा संकुल के पूर्व कोऑर्डिनेटर प्रदीप पराशर गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद एक्शन में आई पुलिस, दो आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश में जुटी पुलिस। और ऑनलाइन गेम में हारने के बाद युवक ने मौत को लगाया गले, अपने पैसे हारने के बाद माता पिता के खाते से पैसे निकालकर गेम में लगाए पैसे, हारने पर उठाया कदम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत ज्योति को, आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।